मेरी मिल्लत दे नौ जवानों फिर बुल्ले शाह नो पता लग गया मैं भूल गया हूँ। फिर बुल्ले शाह गली गली मुर्शद मना रहे हैं, बुल्ले शाह गली गली मुर्शद नो मनाई जा रहे हैं। नौजवानों कदे किसे दरबार ते जा रहे हैं, कदे किसे मस्जिद च जा रहे हैं, कदे किसे अल्लाह वाले दी बारगाह दे अंदर जा रहे हैं। पूरा साल गुजर गया मुर्शद करां दी निगाह नहीं कर दे, बुल्ले दिया रातां दिया नींद हो गई दिन दे आराम गए। बुल्ले ने दिन भी रोना रात भी रोना कख नाल हौले हो गए। बुल्ला गली गली रुल गया किसे ने सीने लाके आखिया इत्थे गल नहीं बननी जे मुर्शद नू मनाना ही फिर मुर्शद दी बारगाह च ना जा, मुर्शद मुर्शद दी बारगाह च चला। नहीं बोले सुभान अल्लाह। एक गुस्ताख ने मेरे नबी दी बेअदबी की थी। अल्लाह ने कुरान च ओदे 10 ऐब बयान कीते ते आखरी ऐब ए बयान कीता उतुलिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह ने फरमाया ए हलाल दा नहीं। उस काफिर ने तलवार पकड़ी ते अपनी मां दी गर्दन ते रख के ना ते कहन लगा दस मेरा बाप कौन है। माई कहन लगी पुत्र तेरा दिमाग खराब है, ओ जेड़ा बाबा बैठा घर विच ए तेरा बाप है। उन्हें आखिया ना मैनू दस मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। उन्हें आखिया बेटा क्यों पूछना है। कहन लगा मुहम्मद दे कुरान च ओदे रब ने आखिया उतुलिम बाद ज़ालिका ज़नीम ए हलाल दा नहीं। कहन लगा तू झूठी हो सकनी है, मुहम्मद झूठा नहीं हो सकता। पता लग्या नबी नू भी पता कौन कौन हलाल दा है ते अली नू भी पता कौन कौन हलाल दा है। कहन लगा अली मेरा बाप कौन है। मौला अली ने फरमाया बैठ जा जिदे नाल तू मनसूब है ओही तेरा बाप है। हजरत अल्लामा सफूरी फरमाते उस वेले जबरील सिदरा ते बैठे ते जबरील ने अर्ज की या अल्लाह अली बड़ी मौज च ते मैं भी कुछ पूछ के आवा। अल्लाह फरमा जाओ पूछ के आओ। जबरील मौला अली की महफल चाह के उठ के खलोगे ते कहन लगे जबरील क्या अली मैं भी पूछा। फरमा पूछ। मुस्कुरा के फरमा पूछ। मैं कुछ दुनिया के सकूल पढ़िया मुहम्मद का पढ़िया। जिबरील ने आगे बस सवाल छोटा जा इतना दस दिया इस वेले जिबरील किथे वे। मौला अली ये नहीं फरमाया ओ सिदरा दा बासी मैं जमीन ते वसना मैनू की खबर होवे। फरमाया ठहर मैं तेनों दसना जिबरील किथे वे। जे जवाब ना दिता मुहम्मद दे इलम दी चादर ते दाग लग जाना है। नौजवान बाबा बुल्ले शाह दे उर्स दे आवन वाले हो। मौला अली अल मुर्तजा ने एक बारी आसमान वल वेखिया, एक बारी जमीन वल वेखिया, एक बारी मशरिको मगरिब वल वेखिया, एक बारी शमालन जनूबन वेखिया। फरमाया सवाल करने वाले आओ। मैं सिदरतुल मुंतहा ते वेखिया जिबरील कोई नहीं, मैं जमीन दिता तू सराज वेखिया जिबरील कोई नहीं। फरमाया मैं कायनात दे मशरिको मगरिब वेखे ने मैनू जिबरील किधरे नहीं मिले। आओ फरमाया अली दा इलम आखद है या मैं जिबरील या तू जिबरील, या मैं जिबरील या तू जिबरील है। जिबरील ने भी आख्या मन गया जिधर भी देखो। उन हाथ चुके सारे बोलो जिधर भी देखो। तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए तो राजदार खफी जली है जिधर भी देखो, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है गवाह मदीन की हर गली है, जिधर भी देखो। मौला अली को लेकर बंदा आके कहन लगा अली इनू जेड़ा भी सवाल करिए बगैर सोचे जवाब दे देना है। अली सोचता क्यों नहीं। मौला अली ने फरमाया दस तेरे हाथ दी उंगलियां कितनियां ने। कहन लगा पांच उंगलियां ने। मौला अली ने फरमाया तू क्यों नहीं सोच के जवाब दिता। कहन लगा सोचन की लोड़ ही कोई नहीं, हर वेले हाथ सामने रहता है, मैनू पता उंगलियां पांच हुंदियां ने। फरमाया मैं क्यों सोच के जवाब देवा कि मैं हाथ तेरे सामने रहता है, कायनात अली दे सामने रहती, कायनात अली दे सामने रहती है। कहन लगा फिर ते मन गया जिधर भी देखो भाई जिधर भी देखो। एक बारी अंदर झाती मार अली है कि नहीं, फिर बोल जिधर भी देखो, जिधर भी देखो।
अली अली ए ते मौला अली ने ना गौसे पाक फरमांदे ने आप फरमांदे ने मैं अपने मुरीद सिर ते इंज वसना जिवें जमीन ते आसमान वसदा है। ते फिर अली अली ते फिर अली है। अच्छा जिन्हें सुलेमान को उन्हें दी किताब पढ़ी उन्हें दी इलम ते उन्हें दी अजमत दा ए हाल है। आ मैं तेनु उन्हें दा हाल दसां जिन्हें मुहम्मद तो कुरान पढ़िया जिन्हें मुस्तफा तो कुरान पढ़िया। मैं तुहानू बाबा बुले शाह दे दरबार तक लैके आना इंशाल्लाह। अजे ते मैं तुहानू दरबार नबूवत दी गल सुना रहा। अल्लाह वली الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور। आज जिन्नी मैं बहस की इहदा तर्जमा मैं तुहानू पीरे बाहू कोल करवा के देवां। तुसी नहीं बोले नहीं ते करवा मैं देना सी। थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो। हैं बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। आरफा दे सुल्तान ने फरमा दिल दरिया समंदर सिद्ध बाहू जेड़ा दिल दी रमज पछाने। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब जमालो लौलिया च लिखिया एक अलिया दे वली सन ते उन्हां दा नाम सी हजरत अली बिन मुहम्मद बिन अली। अली बिन मुहम्मद बिन अली कहंदे ने कि उन्हां दा मुरीद एक अफरीका कारोबार करन गया ते फौत हो गया। घर वाले नु खबर मिली ते आके मुर्शिद नु अर्ज कीती हुजूर दुआ करो दी लाश वापस आ जाए। अल्लाह दे वली ने ए इंज करके अख बंद कीती ते मुराकबा करके फरमान लगे जाओ जिंदा ही आ जाएगा। ए जेड़े किसे ना किसे बाबे दे नाल मुनसलिक ने ना जिन्ना किसे बाबे दे हत्था ते हाथ रख के बैत कीती हो मेरी गल नु आसानी ना समझ आवणगे। ए तुसी कदे मुर्शिद दी बारगाह च जाओ जाके कोई परेशानी अर्ज करो ते कदे गौर कीता जे साडे जेड़े बाबे ने पहले एक बारी ए इंज अख जरूर बंद कर देने। पता क्यों बंद कर देने? मैं तुहानू दसण लगा किसे नु दस्या जे ना सूफिया फरमांदे ने कि आ जेड़ा दिल है ना आ जेड़ा दिल है रब ने उस जहान च खिड़की खोली है। उधर वेखना होवे इधरों वेखी इत्तकु फिरासत अल मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया मोमी दी फिरासत तो डरिया करो तुसी अख दे नूर नाल वेखदे हो और रब दे नूर नाल वेखदे हो। अल्लाह दे वली ने इंज करके अख बंद कीती ते फरमा जाओ जिंदा ही आ जाएगा जिंदा ही आ जाएगा। वो जिंदा ही आ गया। घर वाले पकड़ के मुर्शिद को लाए थे अर्ज की थी असा सुनिया मर गया तू सा फरमा जिंदा आ जाएगा वाकई आ गए। फरमाया जब मुर्दा दी खबर लेके आए सोना ते मैं अख बंद करके ते खुदा दी जन्नत च झाती मारी ए पूरी जन्नत च मैनू किधरे मिलिया ही नहीं ते मैं आख्या जाओ जिंदा ही आ जाएगा। ते घर वाले कहंदे ने हुजूर एक बारी दोज़ख च वेख लैंदे खौरे उत्थे लब जांदा। हस के फरमाते ने चलियो वली दा मुरीद होवे दोज़ख च किवें जा सकदा से मुरीद वली दा होवे ते दोज़ख च किवें जा सकदा सी। हो सकदा किसे दे ज़हन च ख्याल नौजवान दे आ जाए
ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਦਾ ਉਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਜ਼ਲ ਬਰੇਲਵੀ ਇਮਾਮ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਐਡਾ ਨੇੜੇ ਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਵਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾ ਇਨਸਾਅਲਾ ਨਹੀਂ ਲਉਤੀ ਜੰਨਾ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ 23 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਇਓ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਜੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਕਰੇ ਆ ਹੁਣੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਬੇਲੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਆਖੋ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਆਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਦਾਨ ਉਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਬਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਬੱਚੀ ਮੁਹਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਰੋਵੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਆਪ ਦੇ ਲੱਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੂਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਏ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਏ ਵਾ ਇਨਸਾਅਲਾ ਨਹੀਂ ਲਉਤੀ ਜੰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਤਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ
ओ यार बंदा आजीज रब मालिक ते बंदा आजीज होके ओ करदा है जो रब कहंदा है ते आजीज होके ओ कर सकदा है जो रब कहंदा है ते रब मालिक होके ओ नहीं कर सकदा जो बंदा कहंदा है। आखोगे सुभान अल्लाह हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौस भी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने जा रहे थे मस्जिद के दरवाजे के सामने एक हिंदू की दुकान है। वो हिंदू है ते हिंदू पर बाबे नाल प्यार करता सी। जब उन्हें बाबा जी की सूरत मुबारक देखी ना ओ सूरत मुबारक अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरा अल्लाह ओ जिन्हों वेखिए ते खुदा याद आ जाए। उन्हें हिंदू ने ना अपनी दुकान से उठ के खलो जाना ते हिंदुओं वाले स्टाइल चाहे हाथ जोड़ के ना दूर कहना कहना बाबा जी भलिया नो लाज भलिया दी भलिया नो लाज भाई सारे नहीं बोले भलिया नो लाज भलिया दी आपने हाथ इलाके गुजर जाना उन्हें हर नमाज दे नाल लुटके कहना बाबा जी भलिया नो लाज भलिया दी बाबा जी भलिया नो लाज भलिया दी बाबा जी वडेरे हो गए थे आप कोलो हुण उठिया नहीं जांदा टुरिया नहीं जांदा गुलामा ने आप दे वास्ते एक डोली बना ली उस डोली च बिठा के ना ते डोली उठा के ते बाबा जी ने नमाज पढ़ने वास्ते लेके आंदे ने बाबा जी नमाज पढ़ने आंदे ने डोली च बैठ के पता लग्या वली हुंदा ही नमाजी है बेनमाज कदे वली हो सकदा एवं अपने नचन के बहाने वास्ते बुले शाह नू ना नचा दिया करो हाँ अपने नचन के बहाने तलाश करने वास्ते बुले शाह नू नचा देंदे हो याद रखियो बुल्ला आप ते भुल गया पर दुनिया नू रह पा गया बुल्ला आप ते भुल गया किवें भुलिया सुना देवा सुभान अल्लाह बोलते नहीं कि मैं सुना देना यही सुनना है नहीं मैं सुना देना बुल्ला आप भूल गया पर दुनिया नो राय पा गया ते दुनिया दा रहबर ते रहनुमा बन गया याद है जदों बुल्ले नो मैंने मारे भाभियां ते बहना ने बुल्ले नो समझावन आईया बहना ते पर जाईया ते उन्हें की समझाया उन्हें आख्या तू सैयद हो के अराइयां दी मुरीदी पे करना है तो गुलामी पे करना है जब मेहनत ज्यादा होए ना उन जब मेहनत की है मेरे बाबा जी हजूर ताजदारे चूरे शरीफ फरमा देने आप फरमा देने इश्क उस वक्त मुकम्मल होंदा जब कोई यार दा मेहनत मारे और मेरी जुमले दी कदर नहीं की थी तू सब बोले बाबा बोले शायद उस दिन इश्क मुकम्मल उस दिन होंदा जब कोई यार दा मेहनत मारे मुबशर अली भट्टी साहब चंद्राए तो माशाल्लाह तो शरीफ लेके आए अपने काफले दे नाल बुल्ले नो मैना वज गया जे यार दे नां दा मिले मैना चोली पा लईए थले सुटिए ना जे यार दे नां दा मिले मैं ना चोली पा लईए थले सुटिए ना जे यार दे नां दी मिले सूली झूठा ले लईए बुल्ले नु यार दे ना दे मैंने वजे ना इश्क मुकम्मल हो गया सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह बुल्ले दिया भैना ते भरजाइया ने आख्या सैयद होके ते अराइया दा गुलाम बन गया ते बुल्ले शाह दे लबां चो जड़ा लफ्ज़ निकल गया बुल्ला भुल गया
कह लगे राइया ने केड़ा पल्यों दिता है ओना भी सैयदा को लैके सैयदा नु ही दिता है क्योंकि हजरत शाह नायत रहमतुल्लाह आप ते राई सन आप दे मुर्शिद सैयद सन ते इधर बाबा बुल्ले शाह भी सैयद सन आपने परजाइयां नु जवाब दिता ते परमान लगे सैयद को लैके सैयदा नु दिता है केड़ा पल्यों दिता है इधर बाबा बुल्ले शाह दे लबा च लफज निकले उधर लाहौर हजरत शाह नायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पुत्रां दे नाल पहली च हल पे चलांदे सन ते 12 बजे दोपहर वेले खाने दा वेला होया ते आप खाना पुत्रां नाल खा रहे ते रूहानी तौर ते आप दे वड्डे बेटे साहिबजादे ने कन्ना नाल बाबे बुल्ले शाह दी गल सुनी ते वड्डा पुत्र कह बोल के कहन लगा हजरत जी सुन दियो पे बुल्ला की पिया कहंदा ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया वड्डे बेटे ने अर्ज की थी हजरत जी वेख दे बुल्ला की प्या आखद हजरत शान आयत रहमतुल्लाह अलैह उस वेले पोटी खा के हड्डी पे चूस दे हड्डी चूस के निकाल के रखी फरमांद ने बुलिया चुल्ला ही हो गया की फरमाया बुलिया चुल्ला ही हो गया बुल्ला बोल गया ते मुर्शिद आखे जाओ ये बोले चुल्ला ही होगी सारा फैद पीरा सलब कर लिया सारी वलायत सलब कर ली बुल्ले शाह अंदर खाली हो गए बुल्ला भूल गया बुल्ला भूल गया मेरी मिल्लत नौजवानों फिर बुल्ले शाह नु पता लग गया मैं भूल गया हूं फिर बुल्ले शाह गली गली मुर्शिद मना रहे हैं बुल्ले शाह गली गली मुर्शिद नु मनाई जा रहा है नौजवान कदे किसे दरबार ते जा रहे हैं कदे किसे मस्जिद च जा रहे हैं कदे किसे अल्लाह वाले दी बारगाह दे अंदर जा रहे हैं पूरा साल गुजर गया मुर्शिद करां दी निगाह नहीं कर दे बुल्ले दियां रातां दियां नींद हो गईयां दिन दे आराम गए बुल्ले ने दिन भी रोना रात भी रोना कखा नाल हौले हो गए बुल्ला गली गली रुल गया किसे ने सीने लाके आखिया इत्थे गल नहीं बननी जे मुर्शिद नु मनाना ही फिर मुर्शिद दी बारगाह च ना जा मुर्शिद दे मुर्शिद दी बारगाह च चला आके जेड़े वेले अर्दा कीतियां लज पाला माफी ला दिया दे साइया ने खा भी जागिया गया इंज गल नहीं बननी तेरे कोल सुर ते आवे सुर ते आवे पर साज कोई नहीं तेरे कोल साज ते आ पर सोग कोई नहीं जब तक दर्द ना आवे उन्नी देर तक यार नहीं मन दे जा अपने च दर्द पैदा कर फेरी कोई हौका मारेगा यार मन जाए यार मन जाएगा और मेरी मिल्लत है नौजवानों दर्दा बाज नहीं सीने च छेक पेंदे ते छेका बाज नहीं मोती परोए जांदे जब तक छेद ना होवे मोती नहीं परोए जांदे ए तस्बीह च 100 दाने होंदे किन्ने 100 दाने ते विच एक इमाम होंदा है ना तस्बीह च 100 दाने ते एक इमाम होंदा है पर हर दाने चो धागा एक बार गुजरदा है पर ओ जड़ा इमाम होंदा ना ओदे चो धागा दो बार गुजरदा है पता लग गया जिन्हें दुनिया दा इमाम बनना होवे ना उन मुसीबतां दा धागा भी दो बारी गुजारना पैंदा है अलिफ लाम मीम अहसिब الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ए सौखा नहीं यार मनाना सौखा नहीं यार मनाना ओ सौखा नहीं जे यार मनाना किड्डा औखा है अर्ज करा बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह लेना इधर गंज पेश फरमाया आ फरमा देने आए इश्क ते अग तो एक बराबर है इश्क जो में एक बराबर है
पर इश्क दा नाम बधेरा अग बले साढ़े कख ते काने पर इश्क साढ़े तन मेरा अग बले ते बुझावे पानी दसो इश्क दा दारू के जिथे इश्क ने ला दिया डेरा समझ आ रही। इश्क ऐवें सौखा नहीं हो सजना निभाईदा इश्क ऐवें सौखा नहीं हो सजना निभाईदा कदे कदे दीद ले सूली चढ़ गए दा एक कदे कदे दीद ले सूली चढ़ नहीं समझे ते बाबा बुले शाह करो तर्जमा करवा दे ओ बोले जड़ा बुले शाह दा लंगर खांदा जो ओ कसूर वाले तुसा भी नहीं बोलना ते फिर लाहौरियां ते नहीं ना बोलना बाबा कुल कबूले शाह दे नाम ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह इधर आ गया बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरा बे खुदा ना कुरा बे खुदा इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम नायरा बे खुदा ना कुरा बे खुदा जिथे चावे झुका देवे आशिक दसर नए काबा ते ना करबला हुण बुल्ला भुलिया नहीं बुलाया गया क्यों क्योंकि शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह दे मुरीद ते पुराने भी बड़े सन उन्हां दे ज़हन च ख्याल सी ए नवा नवा आए ते सारा कुछ ही लै गया उन्हां नूं बुल्ले दी कदर दसनी सी शाह अनायत ने दसिया आपने फरमाया तुसी गिलियां लकड़ियां हो बुल्ले शाह सुखी लकड़ी है सुखी लकड़ी नो अग जल्दी लग जांदी है ओ फैज जल्दी लग गया हुण मुरीद समझदे सन के सानू क्यों नहीं ते इनू क्यों साईं नाराज हो गए ते नाराज होके उधर बुल्ले नो बुला दिता गया ते बुल्ला भुल गया ते भुल गया ना जदों बुल्ला हुण मुर्शद मनावण टुरे ते बाकियां नू फिर पता लग्गिया जिहड़ी मंजिल ते ए वे असीं नहीं हां फिर सारे नू बुल्ले दी कदर आ गई ना नौजवान जड़े वेले पूरा साल मुर्शद नू मनांदे रे यार दियां गलियां दे चक्कर लगांदे रे रो रो के यार नू मनांदे रे अजे मुर्शद नाराज ने राजी नहीं हो रही दुआ करे करो साईं नाराज ना हो कदे साईं नाराज ना हो जान रब्बे काबा दी कसम है
जदों किधरे सही नाराज हो जान दिल कर दे जमीन फट जाए मैं जमीन च गुजर जावा जदों सिर दा सही नाराज हो जाए। हजरत सखी सुल्ताने बहू ने इंज फरमाया आ फरमाते ने इश्क माफी दे अगा लाया इना लगिया कौन बुझा मैं की जाना इजात सके दी जेड़ा दर दर जा चुका जगावे ओ मैं कुर्बान इस इश्क थी बाहों यार मिलावे बुल्ले शाह पूरा साल मुर्शद मना दे रहे नौजवानों जड़ वेले इश्क दी फटी च पक पक के पक गए पता क्यों इम्तिहान आउंदा इश्क च तवज्जो है सुभान अल्लाह ए माई वडेरी होवे ना कोई मेरे ते तुहाडे ते जिहड़ा अगला जमाना सी ना ते मिट्टी दे बर्तन होंदे सन माई जदों कनाली तबाक कोई प्याला कोई हांडी खरीदनी ना ते उहनूं तली ते रख के इस तरह करके ठोक के वजा के वेख दी जे खनक दी आवाज आनी ते खरीद लेनी कच्ची आवाज आनी ते दुकानदार नो बर्तन वापस करके कहना है बर्तन पिल्ला है कच्चा है इन पट्टी च होर पकाओ पता लग गया कच्चा पांडा ते पिंड दी माई नहीं खरीद दी। इंसान भी जदों इश्क दी मंडी च विकन आवे फिर यार भी ठोक के वजा के वेखदा किधरे कच्चा ही ते नहीं आ गया फिर माही भी ठोक के वजा के चेक कर दे किधरे कच्चा ही ते नहीं आ गया। बुल्ले शाह फिर जदों इश्क दी पट्ठी च पक पक के पक गए ना ते लाहौर साईयां दे दरवाजे दे अगे जाके बैठ गए आख्या हुण आ बैठा जे भावें कबूल करो ते भावें रद्द करो। हजरत शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह ने वेख्या ना हुण मेरे पिछे गली गली रुल गया बुल्ला अल्लाह दे वली ने फड़ के बादुआं तू सीने नाल लगाया सीने ना लगा के दोबारा फैद देख फरमान लगे जा भुलिया तेनू मैं दिता है दुनिया तेरे खुल लेंदी रवे तक जग वाले तेरे को लेंदे रहनगे हुण मैं तेनू ओ फैज दे के चलिया जेड़ा किसी ने किसी को ना दिता होगा कि तेरे को खो ना सकेगा। फिर उस बुल्ले नो बाबे ने ऐसा बुल्ला बनाया कि आप ते भूल गया पर दुनिया दा रहबर ते रहनुमा बन गया। तेरी मिल्लत दे नौजवानों जदों इंसान नफ्स दी कैद विचों निकले ना फिर बुल्ला बनदा है नफ्स दी कैद विचों निकल जान दा नाम बुल्ला है ये ओ बाबा बुल्ले शाह कसूरी है। आज तो दो तीन साल पहले तुसा बड़ी तफसील ना बाबा बुल्ले शाह दी सीरत मुबारका मेरे को ऐसे ही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सुनी फिर कदे मौका मिले ते दे ते मुफसल गुफ्तगु करांगे मुफ्ती साहब की बिलाला लो जी इत्थे मुफ्ती साहब फरमाते रहो दुआ करिए ते चलिए नहीं मैं तुहाडे को दुआ लैनी अल्लाह ताला साडी हाजरी